कि ब्लड प्रेशर जब माँ का ज़्यादा होता है तो बच्चे को वो किस तरह से असरअंदाज होता है। जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर करता है खून में जमाव और तनाव के अलावा, वो ये है कि जब ब्लड प्रेशर सडनली शूट करता है, अगर आपके गुर्दे जिस्म से प्रोटीन निकालना शुरू हो गए हैं तो आपके जिस्म में सूजन का शिकार हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि ब्लड प्रेशर जब माँ का ज़्यादा होता है तो बच्चे को वो किस तरह से असरअंदाज होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की सूरत में माँ के खून के अंदर और खून के इस निज़ाम के अंदर बेसिकली दो तब्दीलियाँ आती हैं। एक तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ का खून गाढ़ा हो जाता है, यानी उसके अंदर क्लॉटिंग एक्टिविटी या खून जमाने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये पेशेंट लोपरिन या खून पतला करने वाली गोलियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी तब्दीली ये आती है कि जो खून की नालियाँ होती हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस या खिंचाव या तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब खून की नालियों के अंदर खिंचाव या तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है तो खून का जो फ्लो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब अगर माँ का ब्लड प्रेशर हाई है और माँ का ब्लड प्रेशर की वजह से खून गाढ़ा है और नालियों में तनाव ज़्यादा है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे की तरफ खून का फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। जब माँ से बच्चे की तरफ खून का फ्लो कम होना शुरू हो जाता है तो अब बच्चा चूँकि पेट के अंदर जो अपनी तमाम तर ज़रूरियात, ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट हो गया, इसके अलावा खुराक हो गया, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, हर चीज़, फैट्स, वो माँ के ब्लड से ले रहा है। और जब माँ के से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है बच्चे की तरफ तो उस सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ मुतासर होने लग जाती है। अब बच्चे की जो ग्रोथ मुतासर होती है तो वो पेशेंट शुरू में तो पता नहीं चलता, जाहिर है कि आप माँ के पेट से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जब बच्चे में 2-3 हफ्तों का फ़र्क आ जाता है तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि बच्चे की ग्रोथ 2-3 हफ्ते पीछे है, और जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि वजह ब्लड प्रेशर है। तो लिहाजा इसलिए आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते होंगे वो आपका ब्लड प्रेशर हर विजिट के ऊपर देखती होंगी, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या कोई रिस्क फैक्टर है तो वो आपको वैसे भी कहती होंगी कि घर में अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर पकड़ा जाए और टाइम से आपको खून पतला करने की गोलियां, लोपरिन, एस्प्रिन और इसके ऊपर डाल दिया जाए, और इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर को दवाइयों की मदद से कंट्रोल कर लिया जाए तो खून के अंदर गाढ़ापन भी कंट्रोल हो जाता है और वैसल के अंदर तनाव भी कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को मतवातर खुराक मुयस्सर होती रहती है। अब हमारे यहाँ क्या होता ये है कि पेशेंट आता है जब पानी सर से गुजर गया होता है, यानी कि बच्चे को IUGR हो रहा है, खून का फ्लो कम हो रहा है, और इसलिए हम कहते हैं कि हर फ्रीक्वेंट विजिटिंग, और ये जो ब्लड के ग्रोथ पे असर होता है ये अक्सर 28 वीक्स के ऊपर जाता होता है। अगर आपके ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो हर 4 हफ्ते के ऊपर आप डॉपलर करवाएं। डॉपलर दरअसल उस रेजिस्टेंस को ही मेजर करता है कि जो खून का फ्लो बच्चे की तरफ जा रहा है वो कितनी फ्लो है, वो इसकी एक खास लेवल होता है। अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर अगर रेशो उस डॉपलर की हर उम्र के में कुछ होती है, अब वो हम तनाव मेजर कर लेते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ब्लड फ्लो पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं पूरा जा रहा तो फिर हमारा शक जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर दरमियान में अनकंट्रोल हो जाता है और हम दवाई की डोज को बढ़ा देते हैं। तीसरा बड़ा नुकसान जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर करता है खून में जमाव और तनाव के अलावा, वो ये है कि जब ब्लड प्रेशर सडनली शूट करता है, हाई हो जाता है एक ख़ास लेवल से ज़्यादा, तो वो प्रेशर जो आवल होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती, यानी कि आवल के अंदर इतना प्रेशर हो जाता है कि वो फट जाती है। अब आवल वो ऑर्गन है जो बच्चे को मतवातर खुराक मुहैया कर रही है माँ से लेके, अब जब वो आवल फट जाती है तो
तो आप यूं समझें कि जो बेसिक मैकेनिज्म है जो बच्चे को खुराक पहुंचा रहा है वो फ्लॉप हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी इमरजेंसी होती है कि अगर इसको टाइमली आप टैकल ना करें तो बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है और इवन माँ की जान भी जा सकती है। बाज़ुकात माँ के पेट में खून इतना ज़्यादा जमा हो जाता है और खून जमने की कैपेसिटी कम हो जाती है कि मरीजों को बाहर से 5-5, 6-6 बॉटल खून की ज़रूरत पड़ती है, और खून सफ़ेद खून जो कि जमने में मदद देता है खून को, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा ब्लड प्रेशर को हमल के अंदर बिल्कुल भी लाइट ना लें। अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रह रहा है तो साथ ही साथ डॉक्टर देखते हैं कि आपके गुर्दे प्रोटीन तो नहीं निकालना शुरू हो गए जिस्म से। अगर आपके गुर्दे जिस्म से प्रोटीन निकालना शुरू हो गए हैं तो आपके जिस्म में सूजन का शिकार हो जाती है, और अगर ये सूजन दिमाग तक चली जाए तो आपको दौरे या फिट्स भी पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह कि ब्रेन एक फिक्स कैविटी के अंदर है, अगर उसमें सूजन आएगी तो उसका प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, और मुख्तलिफ ऑर्गन के ऊपर जब प्रेशर जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रोनमा हो सकती हैं, जिसमें कि एक चीज़ है कि मोटर एक्टिविटी इन्हेंस हो जाना या फिट्स का पड़ना, दौरा पड़ना, टोनिक क्लोनिक फिट। इस हाल में मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है, ज़ुबान दांतों के नीचे आ जाती है, पेशाब पखाना निकल जाता है, और बाज़ुकात जो है वो बच्चे के ऊपर भी इसका असर हो सकता है, और ये एक जानलेवा चीज़ है। तो लिहाजा अगर ब्लड प्रेशर पूरी तरह से मॉनिटर है, कंट्रोल है, तो ये आपके हमल को कुछ नहीं करता, लेकिन अगर आप इससे अनअवेयर हैं और आप कंट्रोल नहीं हैं तो ये आपके लिए भी ख़तरा हो सकता है और आपके बच्चे के लिए भी ख़तरा हो सकता है। और ब्लड प्रेशर इसलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है और हम यूजुअली सीनियर कंसल्टेंट्स ही इसको देख रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए इंफॉर्मेशन मिली होगी आपको, इसमें से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।